नर्मदा जिले में परिक्रमा करने वालों की बढ़ती संख्या को लेकर स्वामी धर्मानंद दास ने दिया जागरूकता संदेश। जी हां, बढ़ते हुए कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के संक्रमण के खतरे को देखते हुए नर्मदा पहुंचकर परिक्रमा करने वाले भक्तों को स्वामी धर्मानंद दास जागरूकता संदेश दे रहे हैं। साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील कर रहे हैं। गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा परिक्रमा करने वाले परिक्रमा वासियों से निवेदन है कि अभी कोरोना के बाद में एक और भी वायरस आ रहा है ओमिक्रॉन करके, इसलिए सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों को सूचित किया जाता है कि जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी परिक्रमा करके आप अपने घर पे चले जाएं। बीमारी का कोई भरोसा नहीं, जीवन जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। और विशेष करके जो महाराष्ट्र से जितने भी परिक्रमा वासी आ रहे हैं समूहों के अंदर, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया कुछ दूरी बनाए रखें और एक साथ में नहीं चले और मास्क का उपयोग करें। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार को भी आदेश है कि कृपया जो भी परिक्रमा वासी अपने घर से नहीं निकले हैं उनके लिए ऐसा सूचना जारी करें कि थोड़ा दिन अपने घर के अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकले। अपना जीवन है तो सब कुछ है, जीवन है तो कुछ भी नहीं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जनहित में जारी, जय हिंद जय भारत। हम अभी ये संदेश दे रहा है कि देश के अंदर एक कोरोना के बाद में दूसरी एक ये ओमिक्रॉन करके जो महामारी आ रही है, तो इसलिए मैं पहले से ही लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि कृपया घर से बाहर नहीं निकले और जितना हो सके जो कोई भी निकल गए हैं तो उनसे मेरा निवेदन है उनको कि वो जितना हो सके उतने नर्मदा परिक्रमा करके अपने घर पर चले जाए, घर पर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे तो उनको अच्छा रहेगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र के जितने भी महाराष्ट्र के लोग जो समूह के अंदर आ रहे परिक्रमा के अंदर बड़े विशाल तादाद के अंदर तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कृपया वो समूह के अंदर नहीं चले, एक एक करके चले और मास्क का उपयोग करें। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार से भी मेरा आदेश है कि जो परिक्रमावासी बाहर नहीं निकले हैं उनको ऐसा आदेश दे, उनके ऐसे सूचना जारी करे कि परिक्रमावासी थोड़ा दिन अपने घर के अंदर ही रहे और ये महामारी है थोड़ा कम होने के बाद में फिर परिक्रमा चालू करे। ऐसा मैं एक छोटा सा कार्य देश हित के लिए कर रहा हूँ। बस मेरा इतना ही कहना है कि हमारे मोदी साहब देश के लिए 18 लाख कार्य कर रहे हैं तो मेरे मन के अंदर भी ऐसी प्रेरणा हुई कि हम भी साधु संत हैं, हम भी देश के लिए ही है, हम भी जीव जंतुओं के लिए है। तो हमारा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी अगर 18 लाख काम कर रहे हैं तो कुछ समय हमारे को भी देश हित के लिए निकालना चाहिए। इसीलिए मैं अपना पूजा पाठ का काम करने के बाद में परिक्रमा वासियों को मैं सावधान कर रहा हूँ।